सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सभी को साथ लड़ना होगा, इस लड़ाई में सभी को साथ आना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किरायेदारों को मकान मालिक ना निकाले, लोगों का समर्थन नहीं मिलने से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे गवर्नमेंट के जितने मंत्रालय हैं जो इससे लिंक्ड हैं, वो उनके साथ मिलकर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स कर रही है, विच आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स। एक टास्क फोर्स है जो ड्रग ट्रायल्स को ऊपर अफर्ट कर रही है ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सके, इसी तरह से कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स ताकि वो डिजीज को समझ सकें, मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में और ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में काम कर सकें, उसके ऊपर प्रयत्न चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और फार्मा के साथ मिलकर और स्टेट्स के साथ कॉपरेट कोऑर्डिनेट करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, वेंटिलेटर्स और जो रिलेटेड लॉजिस्टिक्स हैं उनको प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री के साथ उनको सपोर्ट करके कैसे इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए, उस पर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोरिया, टर्की और वियतनाम के सप्लायर्स को भी आइडेंटिफाई किया है ताकि हम अपनी अवेलेबिलिटी देश में इन लॉजिस्टिक्स आइटम्स की बढ़ा सकें।